हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फाइनली शाओमी की तरफ से रेडमी 6 प्रो डिवाइस के लिए MIUI 12 का काफ़ी बड़ा सरप्राइज अपडेट इंडिया में रोल आउट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपने डिवाइस में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इस अपडेट का वर्जन आपको 12.0.2.0 मिल जाता है। इस अपडेट के बाद रेडमी 6 प्रो डिवाइस में काफ़ी सारे न्यू चेंजेस देखने को मिले हैं। सेटिंग्स का पूरा डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिलता है, अबाउट फोन का डिज़ाइन, न्यू कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन पैनल, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, वीडियो टूल बुक्स का फीचर, लाइट मोड, एंड इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस डिवाइस में ऐड देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी अभी भी इस डिवाइस में मिसिंग है, जो कि बाकी डिवाइसेज में ऐड किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेडमी 6 प्रो के इसी न्यू अपडेट के बारे में, क्या कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं, और जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट उनके डिवाइस में नहीं मिला, तो सभी को ये अपडेट कब तक मिल जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि रेडमी के किसी भी डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें रेडमी 6 प्रो के इस न्यू अपडेट के बारे में, तो फाइनली यहाँ पर शाओमी की तरफ से रेडमी 6 प्रो के लिए काफ़ी टाइम के बाद एक न्यू सरप्राइज अपडेट इंडिया में रोल आउट कर दिया गया है। एंड ये काफ़ी बड़ा अपडेट है रेडमी 6 प्रो के लिए। MIUI 12 का 12.0.2.0 का अपडेट यहाँ पर रेडमी 6 प्रो के लिए रोल आउट कर दिया गया है, और ये अपडेट अभी तक तो कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो 2 वीक्स का वेट कर लीजिए, जल्दी आपको ये अपडेट मिल जाएगा। डिवाइस नेम आप देख सकते हैं, रेडमी 6 प्रो आपको मिल जाता है। और सबसे पहला चेंज आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 1 अगस्त 2020 का मिलता है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है। तो अगस्त का मंथ अभी चल रहा है, एंड अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ऑल स्पेक्स के अंदर आप देख सकते हैं, स्मार्टफोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है सब कुछ यहाँ पर मेंशन की गई है, तो ये भी चेंज आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये अपडेट आपको एंड्रॉयड पाई के ऊपर बेस्ड देखने को मिलता है। एंड ये पहले ही ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था कि रेडमी 6 प्रो डिवाइस में एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम यहाँ पर शाओमी की तरफ से MIUI 12 का अपडेट रोल आउट किया गया है। एंड आगे चांसेस है कि इस डिवाइस में MIUI 13 का भी अपडेट आपको मिले, जहाँ पर कि आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों, अगला चेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टोरेज के अंदर जो लेआउट है वो पूरा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर अबाउट फोन के बाद आप देख सकते हैं, अपडेट रैप का भी डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया गया है। MIUI 12 का लोगो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाता है। व्हाट्स न्यू के अंदर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आपको मेंशन देखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ चेंजेस है डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट चेंज आप देख सकते हैं, जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको लेटेस्ट मिल जाता है। जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कमाल का कंट्रोल सेंटर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट कंट्रोल सेंटर मिलता है, जो भी बैकग्राउंड में होगा उसी टाइप का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। एंड यहीं पर आपको स्लाइड डाउन करने पर सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डार्क मोड, बैटरी सेवर, तो जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करें यहाँ पर सेटिंग्स के बारे में, तो होम स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब तक का मोस्ट अवेटेड फीचर होम स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं, ऐप ड्रॉअर आपको इनबिल्ट अभी आपको मिल जाता है रेडमी 6 प्रो के लिए। तो विद ऐप ड्रॉअर पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ऐप ड्रॉअर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिल जाती है, जैसे कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी। नेक्स्ट चेंज आप देख सकते हैं, होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो आपको चेंज देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में आपको मार्स की इमेज मिल जाती है। यहां पर अगर हम चले वॉलपेपर्स में थीम स्टोर के अंदर, और जो थीम एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं, वही पुरानी थीम एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। तो थीम एप्लीकेशन में कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं किया गया है। एंड जो सुपर लाइव वॉलपेपर्स है वो भी आपको यहाँ पर रेडमी 6 प्रो के साथ देखने को नहीं मिलते हैं। बताया गया है कि जिन डिवाइसेज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है उन्हीं डिवाइसेज में सुपर लाइव वॉलपेपर्स को MIUI 12 के साथ ऐड किया गया है। नेक्स्ट, आपको होम स्क्रीन के अंदर ही ग्लोबल आइकन एनिमेशंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको इनेबल करने के बाद जो एप्लीकेशंस की एनिमेशन है वो आपको थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड जो गैलरी एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जूम इन जूम आउट का फीचर मिल जाता है। अगर आप 2 फिंगर से जूम इन करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी फोटोज़ एक साथ मिल जाएगी, अगर आप जूम आउट करेंगे तो वही नॉर्मल मोड आपको मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, होम स्क्रीन के अंदर ही आइकन साइज़ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसका जो लेआउट है, कलरफुल लेआउट आपको मिल जाता है। आइकन का साइज़ आप मीडियम चाहते हैं, लार्ज चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं, नए एनिमेशंस आपको मिल जाते हैं। बैटरी एंड परफॉर्मेंस का भी लेआउट आप देख सकते हैं, चेंज आपको मिलता है। बैटरी सेवर का ऑप्शन आपको मिलता है, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड आपको मिल जाता है। और इसको अनेबल करने के बाद अगर आपके डिवाइस में 5-10% भी बैटरी बची है तो आपके डिवाइस में 10-15 घंटे तक का बैकअप आपको मिल सकता है। एंड यहाँ पर आप
कुछ एप्लीकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। 6 एप्लीकेशंस बेसिकली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑफ करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर सेविंग मोड है वो ऑफ हो चुका है। बूस्ट स्पीड की आप एनिमेशन देख सकते हैं, तो जो एनिमेशंस है उनको यहाँ पर पूरा चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों अभी भी आपको सेटिंग्स में क्लीनर के अंदर आप देख सकते हैं क्लीन मास्टर को यहाँ से रिमूव नहीं किया गया है, जबकि क्लीन मास्टर इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुका है डाटा प्राइवेसी के इश्यू को लेकर। जबकि रेडमी की 7 सीरीज़, 8 एंड 9 सीरीज़ के लेटेस्ट सभी डिवाइसेस से क्लीन मास्टर को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन रेडमी का जो 6 सीरीज़ के पुराने डिवाइसेज हैं वहाँ पर अभी भी सैडली आपको क्लीन मास्टर देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ पर रिमूव करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर पुराने डिवाइसेज से यहाँ पर शाओमी क्लीन मास्टर को कब तक रिमूव करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन तो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी पहले भी आपको मिलता था, लेकिन जैसे आप डार्क मोड को ऑन करेंगे तो भी जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर है उसको भी आप डार्क मोड में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क मोड में ये एंटर कर चुका है, इसको मैं ऑफ करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं ये आपको लाइट मिल जाता है। तो बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है उसको भी आप डार्क मोड में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कलर स्कीम में आप देख सकते हैं जो लेआउट है नया लेआउट आपको मिल जाता है, सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले के जो कलर्स है थोड़े आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी रेडिश डिस्प्ले पसंद है, ग्रीन, ब्लू, वाइट, तो अपने अकॉर्डिंगली इसे आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज का जो लेआउट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको भी थोड़ा यहाँ से चेंज कर दिया गया है। और इसके अलावा जो साउंड एंड वाइब्रेशन का लेआउट है इसको भी चेंज कर दिया गया है। बॉक्सेस के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो लेआउट अब की बार यहाँ पर जो सेटिंग्स का डिज़ाइन है MIUI 12 में काफ़ी बढ़िया यहाँ पर किया गया है। एंड दोस्तों जो सेटिंग्स का लेआउट है वो आप देख सकते हैं, बोल्ड आइकन्स आपको मिल जाते हैं, जो कलर्स है आइकन्स के वो भी आपको पहले के मुकाबले बेटर देखने को मिल जाते हैं। और जो गेम टर्बो का फीचर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी इस फ़ोन में कोई गेम इंस्टॉल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी एनिमेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप पबजी प्ले करेंगे तो FPS भी आपको साइड में दिखाई देगा। एंड यहीं पर आप यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे गेमिंग करते टाइम। तो अगर आपके डिवाइस में गेम्स है तो आप वहाँ पर नोटिस कर पाएंगे, गेम्स को सिंपली आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का जो लेआउट है वो पूरा चेंज कर दिया गया है। पासवर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का जो आइकन है उसको आप देख सकते हैं, इसका लेआउट थोड़ा चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। बैटरी एंड परफॉर्मेंस का लेआउट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिलता है, सिक्योरिटी ऐप में भी आपको मिल जाता है। स्पेशल फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। एंड बताया गया कि एंड्रॉयड 10 जिस डिवाइस में इंस्टॉल है वहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन अनेबल देखने को मिलेगा, लेकिन इस डिवाइस में एंड्रॉयड 5 का अपडेट आपको मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। लेकिन जो वीडियो टूल बॉक्स का फीचर है वो आप देख सकते हैं, वो आपको अनेबल देखने को मिलता है। तो जिस एप्लीकेशन में वीडियो टूल बॉक्स के फीचर को आप अनेबल करना चाहते हैं सिंपली उसको आपको यहाँ से टिक कर देना है। जैसे हमने YouTube एप्लीकेशन में वीडियो टूल बॉक्स को अनेबल किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आप लेफ्ट से यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। और इसमें आपको एक और कमाल का ऑप्शन मिलता है जो कि आप देख सकते हैं, प्ले वीडियो साउंड विद स्क्रीन ऑफ। तो दोस्तों अगर आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाई है तो अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये आपको वायर कनेक्टर मिलता है जिसकी हेल्प से आप इसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों आप इस फीचर की हेल्प से बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चला सकते हैं, वीडियोस आप चला सकते हैं, इससे आपकी बैटरी भी बचेगी एंड स्क्रीन ऑफ आप कर सकते हैं लेकिन जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट दोस्तों लाइट मोड का ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो इसको हम टर्न ऑन कर लेते हैं। तो इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल थी आपके डिवाइस में वो यहाँ से हाइड हो चुकी हैं। आपको बड़े बड़े आइकन्स मिल जाते हैं एप्लीकेशंस के, आपको 3 एप्लीकेशंस एक लाइन में देखने को मिलेगी, तो लाइट मोड आप यहां पर अनेबल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अभी ये सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, लेकिन लाइट मोड अनेबल करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके हाइड हो जाएंगे एंड बड़े बड़े आइकन्स एंड टेक्स्ट आपको यहां पर मिलेगा। अगर हम बात करें कैमरा एप्लीकेशन के बारे में तो आप देख सकते हैं अभी भी आपको वही सेम MIUI 11 वाली कैमरा एप्लीकेशन मिल जाती है। तो जिन डिवाइसेज में एंड्रॉयड 10 का अपडेट है तो वहाँ पर आपको न्यू कैमरा एप्लीकेशन, फ्लोटिंग विंडो का फीचर एंड इसके अलावा कुछ एक दो और नया फीचर ऐड देखने को मिलता है, जबकि रेडमी 6 प्रो के अंदर ये सब फीचर्स मिसिंग है।
नेक्स्ट आपको जो वेदर एप्लीकेशन है उसके एनिमेशन में थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे। जो लाइव वेदर है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइव एनिमेशंस मिलेगी, जैसे कि रेनी सीजन में बारिश के एनिमेशन आपको मिलेगी, थंडर स्टॉर्म में बिजली के एनिमेशन आपको मिलेगी। तो ये भी थोड़े बहुत कूल फीचर्स आपको इस अपडेट में मिल जाते हैं। फाइल मैनेजर आप देख सकते हैं अपडेट के बाद पूरी यहाँ पर चेंज कर दी गई है। नेक्स्ट आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। अगर आपकी कैलकुलेटर एप्लीकेशन एंड जो फाइल मैनेजर अपडेट नहीं हुई है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड अपनी जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है एंड जो फाइल मैनेजर है उसको अपडेट कर लेना है, यहाँ पर आपको चेंज मिलेगी। जो आपकी नोट्स एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नई थीम्स ऐड कर दी गई है। जैसे कि मान लो दोस्तों ये नोट्स है तो यहाँ पर आपको ये थीम का ऑप्शन मिलता है एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थीम्स है लाइव थीम्स आपको मिल जाती है। तो जो थीम है वो यहाँ पर नई ऐड की गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया कमाल की ये नोट्स अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑडियो की हेल्प से भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो आपकी जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उन सभी को इस अपडेट में अपडेट कर दिया गया है और आपको सेटिंग्स में सिस्टम एप्स अपडेटर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी आपको इन सारी एप्लीकेशंस को अपडेट कर लेना है। इनको अगर आप अपडेट करेंगे तो आपको थोड़े नए चेंजेस देखने को मिलेंगे इन एप्लीकेशंस के अंदर। और डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हैं शो योर डाटा का ऑप्शन आपको मिलता है। डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि आज आपने कितने टाइम फ़ोन को यूज़ किया है, कौन सी एप्लीकेशन को कितने आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए यूज़ किया है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले में गेस्चर्स का जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो थोड़ा चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आप देख सकते हैं जो कास्ट का ऑप्शन है उसका भी लेआउट थोड़ा आपको चेंज मिलता है, अभी आपको डेमो का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है तो जो भी आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चल रहा है तो वही सेम आप अपने टीवी की स्क्रीन पर भी चला सकते हैं विदाउट एनी वायर कनेक्शन के इस कास्ट के ऑप्शन की हेल्प से। और जो रिबूट के एनिमेशन है वो भी आप देख सकते हैं, कलरफुल MIUI का लोगो आपको मिल जाता है, तो इसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस आपको Redmi 6 Pro डिवाइस में MIUI 12 के इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको डिवाइस में मिलेंगे जब आप इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।